हेलो दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज का ब्लॉग करते हैं स्टार। तो फिलहाल मैं घूमने जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ जा रही हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज हम। अभी यहाँ पर बन रहे हैं भल्ले पापड़ी और ये खा रहे हैं भल्ले पापड़ी, दही बल्ला। बढ़िया। पता नहीं आज हम कहाँ घूम रहे हैं दिल्ली की सड़कों में, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं और मेरे पति देव बस चलते जा रहे हैं गाड़ी एक सामने लगाकर। तो फिलहाल हम जाने जूस पीने, ढूंढते हैं यहाँ पर जूस वाला है कि नहीं है। यहाँ पर हमें मिल गया है जूस कॉर्नर। यो छो आज्ञा, क्या मिल जाओ तुम खाने लो, भूख लग गया क्या? पति देव कह रहे जूस पीने से पहले खाने वाला मिल जाता, तो अब खाना ढूंढते हैं हम यहाँ पर। पहले खाना ढूंढ लेते हैं। ये है दिल्ली में बर्तन ही बर्तन, स्टूल वगैरह और डस्टबिन। पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं। ये एक पीस यहाँ पे है 20 रुपए का, और सारा सामान लगा हुआ है यहाँ पे, मस्त मस्त कुछ भी ले सकते हो। एक पीस 20 रुपए का है यहाँ पर। ये देखो, और एक हमें मिला ये तेल वाला, ये तेल निकालने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हम इसको लेंगे। ये हमने ले लिया, इसमें तेल, जब हम तेल सब्जी वगैरह बनाते हैं तेल रखने में बहुत काम आता है। और ये रहे आलू प्याज टमाटर रखने के लिए टोकरी। बहुत सारा सामान है यहाँ पर, 20 रुपए में, 80 रुपए में, अलग अलग प्राइस है। लेकिन जो छोटा छोटा सामान है इधर, ये है एक पीस 20 रुपए। साइड प्लीज। आज हम दिल्ली ऐसे ही घूमने आ गए थे, टहलते टहलते, कुछ काम नहीं था, हस्बैंड का भी काम नहीं था, तो बोले घूम कर आ जाते हैं। और यहाँ पे देखो लंच बॉक्स मिल रहे हैं, सारे लंच बॉक्स है यहाँ पर, टोकरी वगैरह है। अरे कपड़े से बनी टोकरी है, ये कवर हो रखी है, ये देखो बिल्कुल कवर हो रखी है, कपड़े से बनी टोकरी है। और ये देखो गाड़ी में रखने वाले डस्टबिन, छोटे डस्टबिन, इसको आप अपनी गाड़ी में रख सकते हो या पर्सनली अपने रूम में रख सकते हो। कांच के गिलास वगैरह हैं, छोटे से छोटे पैक, एक पैक का गिलास है, इसमें आप एक पैक बना सकते हो शराब का। और अलग अलग गिलास है यहाँ पर, वाइन के लिए अलग गिलास है, शराब के लिए अलग गिलास है, कप्स वगैरह हैं बहुत सारे, और प्लास्टिक के बर्तन हैं यहाँ पर। और ये है रस्सी वगैरह, रस्सी जरूरत नहीं है। ये है रस्सी वगैरह कपड़े वगैरह लगाने के लिए, बट अभी ज़रूरत नहीं है। और ये देखो ये बोटल्स हैं, ये किस लिए है? ये भी पानी की बोतल, पानी की बोतल, इसमें कुछ सामान भी रख सकते हो आप, पानी के सामान, लेकिन सस्ते हैं बिल्कुल। एक पीस मेरे ख्याल से 20-30 रुपए का है। और यहाँ है ढेर सारे किचन के बर्तन, सारा किचन का सामान यहाँ पर है, देखो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह हैं। और इधर है कढ़ाई वगैरह, यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारी कढ़ाइयाँ मिलेंगी, ऑलमोस्ट यहाँ सारा किचन का सामान है। और ये है नमक के लिए, नमक रख सकते हो, ज़ीरा, कुछ भी रख सकते हो किचन का छोटा मोटा सामान। ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ रख सकूंगी, नायसा,
है तो कंपनी का। कितने का? 350। 350 रुपये का है बॉक्स नया सा का। पानी की बोतल्स हैं 6 और चाय बनाने वाले बर्तन, तवा मिल जाएगा, पतीले लोटे सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, और तो और चटाई भी है यहाँ पे सारी। आगे चटाइयाँ वगैरह भी रखी हुई है और ये सारे ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, पैन वगैरह। और आपको और दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पर ढेर सारे टेडी भी रखे हैं। और ये देखो साइकिल वगैरह छोटी छोटी जैसे रिक्शे होते हैं वो भी रखे हैं 100 पीस के लिए। और ये रोटी वाले छोटे छोटे टिफ़िन, ये यहाँ पर आपको पायदान वगैरह भी मिलेंगे, कप्स वगैरह हैं, चेयर हैं। कितने का ये? 30 और 30 रुपये का कप। ब्लैक कप 30 रुपये का तो बहुत सस्ता है ये, वरना बाहर 50 रुपये से कम में कुछ नहीं मिलता। पति देव को एक कप पसंद आया, इसका दूसरा कप ये है, वो मिट्टी से बने हो माटल हुई चूल साफ ही जो। और यहाँ पर काफ़ी सारे कप वगैरह हैं, तो हमें चाहिए था एक इधर का एक कप, एक कप ये रहा, ये अच्छा लग रहा है। और हाँ अलग अलग कलर है पक्का, यू ऑल मैच है। ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला कप मेरा और रेड ब्लैक वाला इनका, अभी बता दिया मैंने ताकि बाद में झगड़े ना हो। और यहाँ पर है छोटी छोटी थालियाँ बच्चों के लिए, छोटी सी थाली और प्लेट्स वगैरह है यहाँ पे, और ट्रे ट्रे वगैरह है चाय देने के लिए, नमकीन बिस्किट के लिए। और यहाँ पे दो कप, ये क्या लिया, ये क्या चू? अरे 20 रुपये चू, मैं कभी अनार चीक वगैरह क्या को। हाँ हाँ, तो इसी एक छोटा सा 20 रुपये का हमने वो भी ले लिया। और तेल वाला का क्या? अच्छा तेल वाला लेकर रख दिया। और यहाँ पे देखो पाइप वगैरह भी रख रखे हैं पानी के, ये सब कुछ यहाँ पे एक साथ मिल रहा है यार। पोछे के वो ऊपर पोछा वाला टका हुआ है ऊपर, बोटल्स है। और ये देखो इनको टाँग कर आप इसमें सामान वगैरह गमले वगैरह बना सकते हो, सुंदर लगते हैं अभी जैसे छत वगैरह में टांग दो मस्त लगते हैं एकदम। और यहाँ पर हेयर बैंड्स वगैरह ब्रश वगैरह सब कुछ मिल रहा है। टेप भी मिल रही है, कंघी वगैरह आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, कपूर है। वाओ और कितनी छोटी छोटी बाल्टी है देखो, 100 पीस के लिए, किस लिए होगी बाल्टी, देखो ये बाल्टी किस लिए होगी, बिल्कुल छोटी ही सी है। और ये देखो चूहादानी भी रखी यहाँ पे, वहाँ पे चूहादानी भी रखी है, चले। और ये रहे बड़े डस्टबिन, हाँ नहीं नहीं अब चलते हैं यहाँ से आगे। ये देखो 100 पीस में पता नहीं क्या क्या रखेंगे, गाड़ी दो पहिया गाड़ी। हम यहाँ पर आए थे खाने का ढूंढ रहे थे और सामने एक दुकान मिल गई तो हम यहाँ घुस गए, तो यहाँ पे सारा छोटा मोटा सामान बहुत अच्छा मिल रहा है, तो हम यहाँ से ले रहे हैं अभी सामान वगैरह। तो ये है दिल्ली में, तो फिलहाल अभी यहाँ सामान ले रहे हैं, उसके बाद हम ढूंढेंगे खाना कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे खाना खाएंगे और फिर जूस पियेंगे, फिर देखते हैं किधर किधर जाते हैं या घर जाएंगे, देखते हैं फिर टहल कर। फिलहाल हमें खाना तो मिला नहीं, अब हम जूस ही पी रहे हैं। कौन सा पीना है?
मिक्स मिक्स है हाँ, गाजर वाला हाँ गाजर वाला तो मीडियम कितने के तो ये आ चुका है हमारा जूस, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा गिलास है, कुछ ज्यादा ही बड़ा गिलास है। जो हमारे वहाँ पे मिलता है वो छोटा मिलता है 50 का, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। यहाँ पे मैंने ऐसा जूस पिया पहली बार गाजर का कि मेरे होश उड़ गए, मतलब इतना खतरनाक, बाप रे, पीना भारी पड़ गया था, सर घूम गया था मेरा पीकर। पालक लेकिन इसमें सब कुछ मिला था, पालक आंवला वगैरह सब। वैसे मैं वहाँ पीती हूँ जो वो भी नेचुरल होता है, मतलब सही होता है, लेकिन वो टेस्टी होता है। मतलब उसको मैं 2 गिलास भी आराम से पी लूँगी, ये तो 1 गिलास भी नहीं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया आज। फिलहाल हमने सामान अभी गाड़ी में रख दिया है और अभी आते हम थोड़ी देर में और घूम कर। रात का टाइम गुड़गांव का, लाइट्स वगैरह जल चुकी है, आज मैंने आपको रात का नज़ारा भी दिखा दिया है और अभी थोड़ी देर में पूरी रात हो जाएगी। फिलहाल लाइट्स वगैरह जल चुकी हैं यहाँ पर और क्या फील आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम बाहर देश पहुँच गए। रही गुड़गांव की एक झलक, पहली वाली वीडियो में मैं आपको बता दी थी कि यहाँ पे रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है और अभी फुल रात हो जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा। और यहाँ चला रहे हैं मेरे पति देव देखते देखते गाड़ी, बाहर का नज़ारा भी साथ में लिया जा रहा है और फिलहाल अब जा रहे हैं हम घर। एक बिल्डिंग इधर भी दिखाती हूँ मैं, एक ही रही। ये क्या है, फैक्ट्री कंपनी, ऑफिस वगैरह यहाँ पर भी सारे। फाइनली मैंने आज रात का नज़ारा दिखा दिया गुड़गांव का, तो नेक्स्ट टाइम इससे भी अंधेरे की बनाऊंगी साथ में। तो फिलहाल अभी हम घर जा रहे हैं, अभी आज हम काफ़ी घूम लिए, तो अब हम ऐसे ही टहलते टहलते गुड़गांव पहुंच गए थे, फिर अब हम जा रहे हैं घर। लॉन्ग ड्राइव आए थे आज हम दोनों। और ये देखो यहाँ पे अभी रात के टाइम में लाइट्स जली हुई है और देखो भगवान जी क्या मस्त लग रहे हैं, बोलो बजरंग बली की जय। तो काफी मस्त है भगवान जी की यहाँ पे मूर्ति। कौन गया था? ए देखो कितना खुश हो रहा है अभी, है ना? कौन लेके आया? मैं। ताऊ जी तो फिर से जा रहे हैं बाहर। चलो चलो ऊपर चलो, अभी पेंटा, 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 पेंटा।
फिलहाल हम पहुंच चुके हैं घर। आज का हमारा रूट लॉन्ग ड्राइव का बहुत अच्छा रहा। किसको पहनाने जूते? कहाँ जा रहा है तू? तू नहीं जा डांस क्लास? डांस क्लास जाएगा? दीदी को छोड़ने जाएगा? नहीं जाना, अब ताई के साथ रहना है। प्लीज प्लीज बाय, सी यू बाय। तो फिलहाल हम अभी पहुंच चुके हैं घर और बच्चों का शोर शराबा देखते तो मैंने पहले से वीडियो नहीं बनाई। बड़े खुश हुए, खासकर अभी इतना खुश हुआ, बोल रहा ताई ताई आ गई, ताऊ आ गए, ताऊ कहाँ हैं। तो फिलहाल हम घर पहुंच चुके हैं और बच्चे गए डांस क्लास, घर फिर से खाली खाली हो गए और मम्मी पापा जा रखे हैं चंडीगढ़, मतलब ननद के घर पर। तो मेरे ख्याल से 2-4 दिन में आएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।